अगस्त का महीना भी धरती के लिए खतरों से खाली नहीं है। 27,274 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक उल्कापिंड धरती की ओर आ रहा है। नासा ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो एक बड़ी तबाही आ सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक एस्ट्रॉयड को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। नासा के अनुसार ये लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये एस्ट्रॉयड 150 फुट चौड़ा है। इसका नाम 2024 NS1 है। पृथ्वी की ओर इसके आने की स्पीड 27,274 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। ये लगभग एक हवाई जहाज के आकार का है। 2 अगस्त को ये पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचेगा। एस्ट्रॉयड 2024 NS1 को अपोलो एस्ट्रॉयड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये निकट पृथ्वी वस्तुओं यानी NEO के समूह का एक हिस्सा है। इसकी कक्षाएं पृथ्वी के पथ को पार कर सकती हैं। नासा ने बताया कि NEO के एस्ट्रॉयड अक्सर पृथ्वी के निकट आते रहते हैं। इस बार ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से कुछ बेहद डरावने भी होते हैं। ये पृथ्वी पर प्राकृतिक तबाही मचा सकते हैं। इस घटना के अलावा नासा को महत्वपूर्ण चिंता है कि अगर इस एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराव होता है तो इससे आने वाली तबाही इसके आकार, गति और स्थान पर निर्भर करेगी। अगर ये किसी रिहायशी इलाके पर गिरा तो बेहद भयानक परिणाम सामने आएंगे। वहीं अगर ये किसी मैदान या समुद्र के आसपास गिरा तो कम नुकसान होगा। छोटे से बड़े एस्ट्रॉयड का टकराव खतरनाक हो सकता है। नासा ने कहा कि 150 फुट का एस्ट्रॉयड संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोट देने की क्षमता रखता है। ये जलवायु परिवर्तन और सुनामी जैसी घटनाओं का कारण भी बन सकता है। नासा ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल इसकी ट्रेजेक्ट्री में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये पृथ्वी पर आने से पहले 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बता दें कि नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज सभी निकट पृथ्वी वस्तुओं की निगरानी करता है। कोई भी संभावित खतरा पैदा होने से पहले एजेंसी अलर्ट जारी करती है। इसके अलावा उल्कापिंड को नष्ट करने के प्रयास तेज किए जाते हैं। इस बार भी आशा जताई जा रही है कि इसके धरती से टकराने से पहले इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।